और सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की। दरअसल हरियाणा और यूपी के शहरों को जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद चालू ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 मई तक ईस्टर्न कॉरिडोर का उद्घाटन हो या ना हो, 1 जून से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे तैयार है तो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस महीने के आखिर तक उद्घाटन नहीं होता है तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि मेघालय कोर्ट पिछले 5 साल से काम कर रहा है लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई देते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में देरी का पीएम से कोई लेना देना नहीं, हम इसके उद्घाटन के लिए पीएम से तारीख लेंगे और इसे जल्द ही खोलेंगे। जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है वो पूरा नहीं हुआ है, उसमें एक रेलवे का आरओबी था वो इनकम्प्लीट है और अभी वो कम्प्लीट होने के कगार पर है और इसके कारण प्रधानमंत्री ने तारीख भी दी थी पर हमको कार्यक्रम आगे लेके गए। अब वो पूरा क्लियर हो रहा है और प्रधानमंत्री से तारीख लेकर हम उसको तुरंत शुरू करेंगे, पर इससे डिले होने में प्रधानमंत्री का कोई संबंध नहीं है। संबंध हमारा काम पूरा नहीं हुआ था इसलिए हमने उसको आगे 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 के लिए पोस्टपोन किया था। आपको बता दें कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यूपी से हरियाणा होते हुए आने जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश ही ना करना पड़े। अभी सभी वाहन दिल्ली होकर आते जाते हैं जिससे दिल्ली पर ट्रैफिक का बोझ बढ़ रहा है। कुंडली से पलवल तक गाजियाबाद के रास्ते जाने वाला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे से सफर की दूरी काफी कम हो जाएगी और सफर का समय भी लगभग आधा हो जाएगा। पहले 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन होने वाला था लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। एक्सप्रेसवे कई बार अपने उद्घाटन की डेट मिस कर चुका है, इसकी वजह हर बार प्रधानमंत्री की व्यस्तता बनती है। इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कड़े शब्दों में आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द इसका उद्घाटन करें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से साफ है कि इस एक्सप्रेसवे पर 1 जून से हर हाल में वाहन फर्राटा भरने लगेंगे चाहे उद्घाटन हो या ना हो।